लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से नेताओं का पाला बदलना और पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करना शुरू हो चुका है। इसी बीच यूपी की हॉट सीट बन चुकी कैसरगंज सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस सीट से बीजेपी किसे टिकट देगी, ये सवाल राजनीतिक गलियारों में लगातार चल रहा है। साथ ही खबरें ऐसी भी हैं कि कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण की जगह उनके बेटे प्रतीक को टिकट दे सकती है। इसी बीच सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि यूपी में बीजेपी 24 लोकसभा सीटों में मौजूद सांसदों को हटा सकती है, यानी कि उनकी जगह किसी और को टिकट मिल सकता है। बता दें कि बीजेपी ने पहली लिस्ट में यूपी से 51 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए थे। इसके अलावा 5 लोकसभा सीटें सहयोगी दलों को दी गई हैं। इनमें 2 अपना दल एस, 2 रालोद और 1 सीट सुभासपा को दी गई है। कहा जा रहा है कि 24 के महाभारत को लेकर बीजेपी ने तय कर लिया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में नए चेहरों पर ही दांव लगाया जाए। साथ ही उम्र दराज और नॉन परफॉर्मेंस और विवादों से जुड़े सांसदों को भी इस बार टिकट ना दिया जाए। कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह विवाद से जुड़े सांसद की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी कैसरगंज के सिटिंग सांसद यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की टिकट काट सकती है, क्योंकि बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। और जिस तरह से बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, उसको पूरा करने के लिए बीजेपी हर कोर कसर में लगी हुई है। ऐसे में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी तरह से किसी भी सीट का नुकसान पार्टी को हो। यही वजह है कि लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम को लेकर चर्चाएं जोरों से हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।